आज की जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, वो चने दाल की है। और ये रेसिपी टी टाइम की है, भाप में बनेगी और 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल करके मैं इसे बनाने वाली हूँ। तो जिसके लिए मैंने 1 कटोरी भर के चना दाल ले लिया है। और अब इसको हमको सबसे पहले अच्छे से धो लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लिया है। और अब मैं इसमें पानी डाल के इसे 2 से 3 घंटे तक फूलने के लिए रख दूँगी। जब चना दाल आपका फूल जाए, यानी कि मेरा तो फूल गया है, आपका जब फूल जाए उसके बाद आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा और मिक्सर में आप इसे डाल लीजिएगा। साथ आप इसमें 5 से 6 स्वाद अनुसार मिर्ची, अदरक का पेस्ट और कुछ लहसुन की कलियाँ डाल लीजिएगा। साथ में अजवाइन ज़रूर डालिएगा इसमें। अजवाइन का इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा रोल होता है। और 2 चुटकी हींग मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। अब इसे अच्छे से हमें पीस लेना है, लेकिन थोड़ा 2 से 3 चम्मच इसमें हमें पानी डाल लेना है। तो देखिए, बहुत ही परफेक्ट हमारा चना दाल पीस के तैयार हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं आपका रेसिपी अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसे हम अपने मिक्सर बाउल में निकाल लेंगे। सारे दाल को पीसने के बाद आप इसमें कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, साथ में धनिया पाउडर 1 चम्मच और ये कसूरी मेथी है थोड़ी सी, आप इसमें ऐड करिएगा। स्वाद अनुसार नमक डाल के अच्छे से आपको सभी चीज़ों को, मसालों को चने के दाल में मिक्स कर लेना है। खाने में ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है टी टाइम के समय पे। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल की सारी जानकारी आपको मिले। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है स्टीम करने के लिए और अपने छन्नी में तेल लगा लिया है। तेल लगाने से जो भी बैटर हम अपना चने का इसमें रखेंगे वो चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो अब हमें 1-1 चम्मच थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से चलनी में पूरा इसे फैला देना है। जब आपका अच्छे से ये फैल जाए तो आप इसे घड़ी में देख के 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आप इसे स्टीम कर लीजिएगा। ज़्यादा तेज आंच पे आप इसे मत करिएगा, मीडियम फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मेरे सारे दाल इसमें फैल गए हैं अच्छे से। और अब मैं इसे अच्छे से ढक देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये हमारा दाल चाकू या फोक की सहायता से आप देख लीजिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा। थोड़ा सा आप 5-10 मिनट अब इसे ठंडा कर लीजिएगा और ठंडा करने के बाद आप इसे अपने जैसा भी आप पसंद करते हैं उस आकार में आप इसे काट सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा चौकोर पीस में काट रही हूँ। ये रेसिपी कोई भी खा सकता है, प्रेग्नेंट वूमेन भी खा सकती है, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट होती है, टाइट नहीं होती, तो यानी बिना दांत वाले बुज़ुर्ग भी इसे आराम से खा सकते हैं। बहुत ही आसानी से निकल रहा है। यहाँ पे मैंने तेल डाल लिया है तड़का के लिए, साथ में डाला है 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने। अब मैं इसमें डाल लूँगी, जब आपका तड़कने लगे सरसों तो आप इसमें तिल डाल लीजिएगा बराबर मात्रा में। और जब तिल भी हल्का हल्का तड़कने लगे तब आपको इसमें सूखी मिर्ची डालनी है 2 से 3। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में इसमें ढेर सारे करी पत्ता डाल लिया है मैंने। करी पत्ता का स्वाद इसके तड़के में बहुत अच्छा आता है। कश्मीरी मिर्च इसमें डाल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कलर आता है, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। और अब हमें अपना सारे पीस इसमें डाल लेने हैं। तो बहुत से लोग इस रेसिपी को भकोसवा के नाम से जानते हैं यूपी में। इसे स्टीम करके चने दाल को बनाया जाता है। मैंने इसे पीस पीस करके बनाया है। बहुत से लोग जो होते हैं इसे पकौड़ी के तरह चलनी में डाल के स्टीम कर लेते हैं और उसको फिर तल लेते हैं या फिर ऐसे ही चटनी से खाते हैं।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया है इसका स्वाद बहुत ही अच्छा सा बनाने के लिए। एक दो मिनट आप इसे अच्छे से मूंज लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा पका हुआ है तो इसे पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये मेरा हो गया है तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है और ये मेरा तैयार हो गया है, ज़्यादा समय भी नहीं लगा है, बहुत ही अच्छा है, चटपटा सा है। और आपको अगर हमारे चैनल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पे ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं कल को नए रेसिपी के साथ।